देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। दिसंबर 2023 में संसद से पारित तीन कानून आज से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा। सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। इन कानूनों के लागू होने के साथ इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदल दिया गया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं अब रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। वहीं सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए, इसमें 170 नियम कानून तय किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। तो ऐसी होगी धाराएं, आपकी स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं जो बदलाव हुआ है। और आज से ये तीनों आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, और जो तीन नए कानून हैं उनमें कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तीन दिनों के दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे। आज मोहन भागवत संघ भवन में आयोजित आरएसएस की शाखा में शामिल होंगे। इसके बाद वो गाजीपुर जाएंगे और गाजीपुर में मोहन भागवत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर लिखी किताब का विमोचन करेंगे। मोहन भागवत धामूपुर से हथियाराम मठ जाएंगे और संत भवानी नंदन यति महाराज से आशीर्वाद लेंगे। फिर वहां से मिर्जापुर पहुंचकर देवराहा हंस बाबा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ता पूरे यूपी में एक हफ्ते तक पौधारोपण अभियान चलाएंगे। समाजवादी पार्टी 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में पीडीए पेड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम करेगी। T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अब इनाम की बारिश शुरू हो गई है। बीसीसीआई ने 125 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बधाई देते हुए जय शाह ने यह ऐलान किया है। अमरोहा के रहने वाले चित्रकार जुहैब खान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा का 7 फीट का चित्र दीवार पर बनाकर खुशी का इजहार किया। अपनी पिक्चर में विराट कोहली और रोहित शर्मा को चैंपियन बताया गया है। जुहैब खान लगातार समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा का इजहार करते रहते हैं। अयोध्या में आज से रामलला को 20 नए पुजारी मिल जाएंगे। ये पुजारी राम मंदिर में पहले से कार्यरत पुजारी के सहायक के तौर पर काम करेंगे। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने पुजारी को भर्ती कर ट्रेनिंग दी थी और ट्रेनिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुजारियों को राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर में तैनात किया है। भविष्य में रामलला के परिसर में बनाए जाने वाले अन्य मंदिरों में भी नए पुजारियों को तैनात किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट राम जन्मभूमि परिसर में जल्द ड्रेस कोड भी लागू करेगा। इसमें पुजारी को चौबंदी साफा और धोती पहननी होगी। पुजारियों के साथ कर्मचारियों के लिए भी राम मंदिर ट्रस्ट ड्रेस कोड जारी करेगा। युगांडा में फंसे हुए भारतीय मजदूरों की सकुशल वतन वापसी शुरू हो गई है। 3 मजदूर युगांडा से भारत लौटे हैं। मजदूरों ने वापस लौटकर राहत की सांस ली। मजदूरों ने युगांडा से बेहद मार्मिक वीडियो जारी कर मदद मांगी थी। न सरकार में मजदूर की गुहार पर एक्शन लिया गया। विदेश मंत्रालय के दखल के बाद 7 में 3 मजदूर वापस लौट आए। वापस आने वाले मजदूरों ने मोदी सरकार को शुक्रिया अदा किया।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसी भी भारतीय के साथ विदेश में कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा। नहीं तो चाहे हवाई जहाज भेज के बुलाना हो, चाहे देश का मंत्री भेजना हो, हर भारतीय को विदेश में भी सुरक्षा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। उनके इसी पद्धति से प्रेरणा प्राप्त करके धर्मेंद्र भारद्वाज जी माननीय MLC और श्री ब्रजेश चौधरी जी जब मेरे पास इस विषय को लेकर आए, तो मैंने तुरंत उस पर चिट्ठी लिखी माननीय विदेश मंत्री जी को और उनके यहाँ भेज कर बात की। अगर प्लांट के लोग रोकने की कोशिश करेंगे तो प्लांट भले बंद हो जाए, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान वापस आएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।